हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय होम किचन। तो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ पत्ता गोभी आलू और मटर की सब्ज़ी की रेसिपी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये मैंने पत्ता गोभी को बारीक काट लिया था अच्छी तरह साफ़ करके, और इसे थोड़ा सा पानी डाल के हम इसे 5 से 10 मिनट तक बॉईल कर लेंगे। अब इसके लिए मैंने लिया है मटर, उबले हुए आलू, साथ में लिया है लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, इसका हम पेस्ट बना लेंगे। ये लिया है मैंने साबुत जीरा, सूखी लाल मिर्च और तेज पत्ता, 2 बड़े प्याज इस तरह से कट कर लिए हैं, 2 टमाटर और हरा धनिया। कढ़ाई में डाल दिया है ऑयल गर्म होने के लिए। अब हम इसमें जीरा, सूखी लाल मिर्च और तेज पत्ता डाल देंगे जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा। और जैसे ही ये लाल हो जाएंगे हम इसमें डालेंगे प्याज। तो प्याज को हमें गोल्डन फ्राई करना है, तो इसे 2 से 3 मिनट तक हम गोल्डन फ्राई कर लेंगे। और जैसे ही इसका कलर डार्क हो जाएगा हम इसमें डालेंगे उबले हुए आलू। तो मैंने इसमें 5 से 7 आलू लिए हैं और एक छोटा सा पत्ता गोभी लेके उसे बॉइल कर लिया है अच्छी तरह से साफ करके। तो आलू और मटर हम इसमें प्याज के साथ डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से भुनेंगे। तो हम इसकी ड्राई सब्जी बना रहे हैं। सबसे पहले हम आलू और मटर को प्याज के साथ 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से गोल्डन करेंगे। ये देखिए, इसे मीडियम फ्लेम पर भुनेंगे और जब ये भुन जाएगा हम इसमें डालेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। और पेस्ट को डाल के इसे भी हम 2 से 3 मिनट आलू, मटर और प्याज के साथ भूनने देंगे। उसके बाद हम इसमें बाकी मसाले डालेंगे। तो मैंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्च डाल दिया है। अब इसे ढककर 2 या 3 मिनट तक भूनेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। और जब ये 2-3 मिनट भून जाएगा तो बाकी हम इसमें जो मसाले हैं वो ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसमें डालते हैं हल्दी। तो इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून हल्दी। छोटे वाले स्पून से जो मसाले डालने में होती है। और साथ में डाल रही हूँ जीरा, धनिया और काली मिर्च। तो ये मैंने एक साथ पीस के रखा हुआ है, आप चाहे तो अलग अलग भी डाल सकते हैं। साथ में डाल दिया मैंने गरम मसाला पाउडर और कश्मीरी मिर्च। तो आप इसे सब्जी की क्वांटिटी के हिसाब से मसाले ऐड करेंगे। तो सभी मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब इस तरह से इसे 3 से 4 मिनट तक भूनना है हमें। तो मसाले डाल के साथ में हम इसमें टमाटर भी डाल देते हैं। तो 2 बड़े टमाटर मैंने इसमें डाले हैं कट करके। अब हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर 2 से 4 मिनट भूनना है ताकि मसाले इसके साथ अच्छी तरह से पक जाए। इसमें नमक भी ऐड कर लेंगे हम। नमक सब्जी की क्वांटिटी के हिसाब से ऐड करेंगे। अभी हम आलू के साथ ही नमक ऐड कर रहे हैं, तो आपको इसमें पत्ता गोभी भी ऐड करना है तो उसके हिसाब से आप इसमें नमक डाल लेंगे। तो नमक जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा और मसाले थोड़ा सा भून जाएंगे तब हम इसमें
पत्ता गोभी को ऐड करेंगे। तो पत्ता गोभी हमने बॉईल कर लिया है अच्छी तरह से। तो पत्ता गोभी को बनाने से पहले इसे बहुत अच्छी तरह से साफ करें, बॉईल करें। और इस तरह से देखिए हम इसमें सब्जी के साथ इसे ऐड कर रहे हैं। तो पत्ता गोभी में जो पानी है उसे नहीं डालेंगे हम, सिर्फ पत्ता गोभी को इसके साथ ऐड करेंगे। तो ये सारे पत्ता गोभी मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब इसे ढककर हम इसे भूनेंगे। तो आपको कम से कम 10 से 12 मिनट तक इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर अच्छी तरह से भून के पकाना है। तो सब्ज़ी जितनी अच्छी भुनेगी उसका टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। साथ में मैं इसमें डाल दे रही हूँ थोड़ी सी धनिया की पत्ते भी। तो ये सीजनल सब्जी है, ठंडे के दिन में पत्ता गोभी आलू मटर की सब्जी बना के खाइए, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। इस तरह से ड्राई सब्जी बनाइए और इसे पराठे या चपाती के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी है। ये देखिए हमारी सब्जी रेडी हो गई है। तो मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।